Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aishu Joshi, and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 15th June, Monday today, and we are going to discuss today's the Hindu news analysis, in which we are going to take all the important news of today's. So the biggest news is the Bollywood actor Sushant Singh Rajput has found dead in Mumbai in his flat, Bandra. But here it is the news which was in on social media by yesterday. But here it is a shocking news, and what is important, or I can say what is to consider in this news, is that every individual is going in depression. Every individual is, we can see, you know, reverse effects on every individual. But what is happening to today's youth, and what is the basic logic behind all these things? हम क्यों इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं? ऐसी क्या कंडीशंस हो जाती है जो हमें इस तरह की कंडीशंस, जो हम कह सकते हैं सुसाइड तक ले जाती है, ऐसी क्या कंडीशंस क्रिएट हुई? हालांकि क्या कंडीशंस हुई है हम नहीं जानते एक्चुअली उसके साथ में, बट स्टिल इट इज़ अ फैक्ट दैट वी शुड गो थ्रू सम स्पिरिचुअल थिंग्स, सम योगा मेडिटेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स. अलोंग विद दैट वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू बी इन टच विद फैमिली, सो दैट हम उनकी वैल्यू समझ सकें और इस तरह की कोई भी स्टेप्स जो है ना उठाए जिससे कि हमारी फैमिलीज को प्रॉब्लम हो, कई लोग इससे इफेक्ट हो. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना. और क्योंकि वो एक्टर था तो पूरे जो है इंडिया को इफेक्ट किया, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट दैट अगर आप एक्टर नहीं भी हैं, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ आपकी फैमिली के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूबल है. कहीं ना कहीं वो उसे इफेक्ट करती है. इसलिए इस तरह की कोई भी जो है मैंटालिटी आपके दिमाग में, आप कोई डिप्रेशन में हैं, आप किसी तरह का कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कि आपको नहीं सोचना चाहिए, या आपको लगता है कि वो चीज़ आपको बहुत डाउनफॉल लेकर जा रही है, तो उस कंडीशन में शेयर योर प्रॉब्लम, शेयर योर सिचुएशन विथ योर फ्रेंड्स, योर रियल रिलेटिव्स, फैमिलीज, वट एवर यू यू आर इन टच विथ, उस सभी के साथ मैं आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को, इस तरह की सिचुएशंस को शेयर करें, बिकॉज शेयर करने से चीज़ें ईजी हो जाती है और हमें पॉजिटिव वाइब्स जिनसे मिल सकते हैं, उन लोगों से शेयर करने पे डेफिनेटली उस चीज़ का सोल्यूशन भी मिल जाता है. सो ऑलवेज ट्राई टू कीप आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. डिप्रेशन आ जाता है, कई बार हम लोग किसी चीज़ को लेकर इतना सोच लेते हैं, इतने प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में चले जाते हैं कि हम उस चीज़ के अंदर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना. तो और इस कंडीशन पे चले जाते हैं कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि हमारी लाइफ किसके लिए या हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती है. तो इस कंडीशन में आपको कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें, योगा मेडिटेशन, अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स एग्जाम को, हम जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं, रिजल्ट्स को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं, सक्सेस ना मिलने को लेकर हो जाते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस, एग्ज़ाम, डिप्रेशन इन सबसे ऊपर होती है फैमिली, रिलेटिव्स और आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो. तो आप उस पोटेंशियल, उस फैमिली के लिए, उस एम्बिशंस के लिए, उस ड्रीम्स के लिए एंड मोमेंट तक ट्राई करना नहीं छोड़िए, और इस तरह की सिचुएशन से दूर रहने के लिए हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को किसी ना किसी के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि इस तरह की कोई विचारधारा आपके दिमाग में क्रिएट ना हो, इस तरह की सोच भी आपके दिमाग में ना क्रिएट हो, है ना. So let's go through the news analysis of today. In the pandemic, the disabled remain an invisible minority. Basically, ये special article है, ये based है उन लोगों पर जो disabled है और इस pandemic के दौर में उन्होंने बहुत सफ़र किया है, but still they were not in limelight, बिल्कुल invisible रहे हैं और उनके ऊपर जो है किसी की नज़र भी नहीं गई है. 75% जो ऐसे लोग थे उनको lockdown ने hit किया, disabled लोगों को, और बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट देखने को मिला लॉकडाउन के चलते, और कई सारी चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक कपल का पिक्चर है. तो ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं वो लोग बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली को सर्वाइव करते हैं, है ना, और ख़ुद सर्वाइवल के लिए बहुत फैमिली मुश्किल से फैमिली के लिए अर्न कर पाते हैं. उस कंडीशन में उनके लिए लॉकडाउन एक बहुत, हम कह सकते हैं, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आया और बहुत सफ़र किया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें सामने नहीं आई जो कि हमें माइग्रेंट्स को लेकर और भी जो दूसरी कैटेगरीज जो है जिन्होंने सफ़र किया वो जिस तरीके से सामने आए, वैसे इनकी कैटेगरी सामने नहीं आई. तो अल्टीमेटली
बहुत इफ़ेक्ट हुआ इन्हें और काफ़ी इफ़ेक्ट किया है इस पेंडेमिक ने। तो मैं गुजारिश करती हूँ पूरी सोसाइटी से, उन लोगों से जो किसी न किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स से जो किसी न किसी सोसाइटी में और सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप और भी किसी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे कुछ लोग दिखते हैं जिन्हें आपकी नीड है, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, बिकॉज इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह का पेंडेमिक, इस तरह की लॉकडाउन सबसे ज़्यादा उन लोगों को इफ़ेक्ट करता है जो या तो फिज़िकली या मेंटली या सोसाइटी के बेसिस पर डिसेबल्ड होते हैं। सो प्लीज़ ऑलवेज़ हेल्प ऑल ऑफ दैम, ओके। सो ये आर्टिकल जो बेस्ड है वो स्पेशली डिसेबल्ड पीपल पर बेस्ड है। द नेक्स्ट इज़ इंडियाज राइज इन केसेस थर्ड फर्स्ट ग्लोबली। ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं, थर्ड पोजीशन पे हैं, थर्ड कंट्री है इंडिया जिसके अंदर फास्टेस्ट लेवल पे केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैक्सिमम केसेस जो देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, स्पेशली गुजरात में, राजस्थान में भी केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से बिहार, हर एक स्टेट का डेटा आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ दिया हुआ है। द ग्राफिक लुक्स एज द नंबर ऑफ न्यू केसेस एंड डेथ रिकॉर्ड्स इन इंडिया ऑन संडे द चेंज इन परसेंट फ्रॉम 14 डेज अगो। 14 दिन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितने केसेस बढ़े हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स इस ग्राफ में दिया हुआ है ना, जिसके अंदर जो केसेस बढ़ रहे हैं रेड में हैं, जो केसेस जो है ड्रॉप डाउन हो चुके हैं, वो जो गिर रहे हैं जहाँ पे केसेस मतलब नहीं दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यू स्लो डाउन हो रहे हैं, तो वो ग्रीन में है। इसके अलावा जो मिक्स्ड है, जहाँ बढ़ भी रहे हैं और जो है केसेस कंटिन्यूसली बढ़ भी रहे हैं लेकिन ड्रॉप डाउन भी हो रहे हैं, तो वो केसेस जो है ऑरेंज या येलो जो फ्लेवर में दिखाया गया है, येलोइश कलर में, वो जो डेटा है वो यहाँ पे आपके ऑलरेडी इस फिगर के अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यू अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी एंड पंजाब, ये ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और हालांकि ड्रॉप डाउन भी हो रहे हैं लेकिन केसेस बढ़ते भी चले जा रहे हैं। और वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल, MP, कर्नाटका, असम और केरला की बात करें तो केसेस ड्रॉप डाउन हो रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं उन्हें कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। कंटिन्यू हम लोग थर्ड फास्टेस्ट ग्लोबली जो है ग्रोइंग, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूसली जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं उस पोजीशन में जो है हम तीसरे स्थान पर स्टैंड कर रहे हैं। सो इट इज़ आर नीड। और बेसिकली इंडिया के अंदर जो हाईलाइटेड एरियाज़ है वो है दिल्ली और महाराष्ट्र, कंटिन्यू केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर मैनेज नहीं हो पा रहे हैं केसेस, इस तरह की पोजिशन आकर खड़ी हो गई है। सो इन दैट केस ऑल द स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव सेंसेस ऑफ दिस कि हमें और सब चीज़ों से ध्यान हटाकर, और हमें अभी जो है इस समय ज़रूरत है अपने एरिया में, अपने स्टेट्स में दिमाग लगाना और ध्यान लगाने का, बिकॉज कंटिन्यू अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो डेथ टोल्स भी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएगा और मैक्सिमम लेवल पे हिट करने वाले, अभी हम थर्ड पोजीशन पे हैं, हम फर्स्ट पोजीशन पे आने पे हमें टाइम नहीं लगेगा अगर यही कंडीशन चलती रही तो, है ना। पैनिक एज न्यू केसेस क्लाइंब इन बीजिंग। बीजिंग में भी आपको पता होगा नए केसेस आए हैं, टोटल 51 न्यू केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो कि स्पेशली फूड मार्केट में, तो वहाँ पर भी एक पैनिक बना हुआ है चाइना में। सो वो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन इट। द नेक्स्ट इज टेस्टिंग टू बी रैम्प्ड अप इन द कैपिटल सेज अमित शाह। अमित शाह ने कहा, उन्होंने मीटिंग ली केजरीवाल जी से और लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनसे भी मीटिंग ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर से सॉरी, एंड इस बीच में उनके बीच में डिस्कशन भी हुआ कि उनको कैसे जो है इन केसेस को हैंडल करना है, ये जो बेड्स और हॉस्पिटल्स का इशू चल रहा है उसे कैसे हैंडल करना है और टेस्टिंग को कैसे रैंप अप करना है, तो वो सारी कंडीशंस के ऊपर इन्होंने डिस्कस किया और काफ़ी फ्रूटफुल जो है डिस्कशन दिखाई दिया। देखते हैं ये डिस्कशंस और ये आइडियाज़ कब तक इम्प्लीमेंट हो पाते हैं और किस हद तक इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज चाइना हैज़ प्रेफर्ड टॉक्स, सेड राजनाथ। राजनाथ सिंह जो है उनका ये कहना है कि चाइना जो है वो बातचीत पर तैयार है, चाइना कोशिश कर रहा है, चाइना के प्रयास ये है कि वो हमसे बातचीत करें। इस तरह के जो इश्यूज़ जो डिप्लोमेटिक चैनल्स पे दिखाई जा रहे हैं, या डिप्लोमेटिक चैनल्स पे या मिनिस्ट्री जो है मिलिट्री जो एरिया है उनके बीच में जो है मैटर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है और जो है स्टैंड ऑफ लेने की रिजोल्यूशन देखने को मिला है हमें इस मैटर पे,
और जो संडे को जो है इस पर बातचीत की गई। और ये देखिए काफ़ी ट्रूप्स ऑलरेडी अपने अपने पोजीशंस पे अगेन जा चुके हैं। काफ़ी बातचीत के बाद में काफ़ी सब बीजेपी लीडर्स, वर्कर्स और सभी से बातचीत के बाद में समझ में आया कि करीब इंडिया और चाइना के बीच जो बहुत लंबी जो लड़ाई चल रही है, काफ़ी लंबी लड़ाई, 1967 से ये लड़ाई चल रही है। इट वॉज़ नॉट हाउ एवर द लास्ट इंसिडेंस ऑफ अ शॉट डाई बींग फायर्ड ऑन द कंटेस्टेड बाउंड्री दैट वुड हैपन 8 ईयर्स लेटर। 8 साल पहले जो फायरिंग हुई थी और जो ये सब चीज़ें जो हो रही है पिछले लंबे समय से, वो कंडीशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि अभी जो हमारा इशू सॉर्ट आउट किया गया है वो 100% जो हम कह सकते हैं उस बेसिस पर है कि हाँ अब कोई इशू नहीं क्रिएट होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बातचीत हुई है और इस पर बात की जा रही है और इसके ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैटर को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, ऐसा कहना है राजनाथ सिंह जी का। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ पाक के अंदर फायरिंग हुई है, पुंछ एरिया के अंदर एक सैनिक जो है वो शहीद हुए हैं। और ये जो है जम्मू कश्मीर के पुंछ एरिया के अंदर हुआ है। पाक के जो लोग हैं, पाक की मिलिट्री ने, पाक के सोल्जर्स ने जो है फायरिंग की है। और ये जो है ये अभी पिछले दिनों से काफ़ी वायलेंट जो है कंडीशंस दिखाई दे रही है उस एरियाज़ में। और स्टिल वी कैन से दैट पाकिस्तान इज़ नॉट इन मूड टू सॉल्व एनीथिंग, एंड पाकिस्तान का अभी कंसंट्रेशन अपने कंट्री में हो रहे जो केसेस है, पेंडेमिक के केसेस बढ़ रहे हैं और जो वर्स्ट कंडीशन होती चली जा रही है उनको कंट्रोल करने से ज़्यादा उनका इंडिया पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। इसीलिए शायद इस तरह की सिचुएशंस जो है बॉर्डर पे क्रिएट की जा रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड डॉक्टर्स जो है एक हॉस्पिटल के, उनका ये कहना है कि काफ़ी सारी इंजरीज़ के साथ में इस एक सोल्जर को जो है 8 बजे जो यहाँ पे किया गया था, एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में बॉर्डर एरिया के अंदर, और उसके बाद भी जो है करीब रात के समय उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की घटनाएं जो कंटिन्यू चल रही है, ये हमारी ज़रूरत है कि सरकार आपस में बातचीत के थ्रू इन मैटर्स को सॉल्व करे, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें सोल्जर्स से हाथ ना गंवाना पड़े और जिस कंडीशन में हम ऑलरेडी पेंडेमिक और इन सारी इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं उस बीच में इस तरह का एक मैटर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। और कहीं ना कहीं ये हमारा ध्यान डाइवर्ट करने की बात कही जा रही है। स्क्वीज्ड पंजाब हरियाणा इन स्पेस जैम, ये देखिए पंजाब और हरियाणा पिछले कितने ही सालों से आपस में टाई अप हो रखे हैं, बट स्टिल अभी तक भी उनके अंदर कितने ही 5 डिकेड से करीब एक साथ में हैं, लेकिन उनके बीच में अभी भी कोई बहुत हम कह सकते हैं बहुत अच्छा वो नहीं हुआ है बॉन्डिंग, स्पेशली ऑन द इशू ऑफ शेयरिंग स्पेस इन द अर्स्टवाइल पंजाब असेंबली बिल्डिंग। पंजाब की असेंबली बिल्डिंग के अंदर स्पेस की अगर बात की जाए तो वो पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा के बीच में काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और 1966 जो है उस समय हरियाणा बना, तब से ही इनके बीच में इस स्पेस शेयरिंग को लेके सेक्रेटरीट्स और असेंबलीज के से लेकर ये जो बिल्डिंग है इसमें कुछ इश्यूज पहले से ही चल रहे हैं। तो चंडीगढ़ के अंदर है ये, पंजाब हरियाणा का सेक्रेटरीट है, यहाँ पे जो है इसका इशू चल रहा है स्पेस से रिलेटेड। ओके, द नेक्स्ट इज़ ICMR स्टडी प्लॉट्स मिड नवंबर पीक की बात कही गई है। ICMR की स्टडीज़ कहती है कि मिड नवंबर में पीक पर रहेगा। और इसके अलावा द पीक स्टेज ऑफ COVID-19 इन इंडिया हैज़ बीन डिलेड बाय द 8-week लॉकडाउन अलोंग विद स्ट्रेंथन्ड पब्लिक हेल्थ मेजर्स एंड इट मे नाउ अराइव अराउंड मिड नवंबर व्हेन अ पॉसिटी ऑफ आइसोलेशन एंड ICU बेड्स वेंटिलेशन कैन अराइज अ स्टडी सेज। स्टडीज़ जो है इसके ऊपर स्टडी हो रही है लॉकडाउन के ऊपर और पेंडेमिक के ऊपर, उसके बेसिस पर ये बताया गया है कि 8 हफ्ते के लंबे लॉकडाउन के बाद भी हमें रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिल रहा है, केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। जो चीज़ 8 हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी वो 8 हफ्ते बाद हो रही है, देखने को मिल रही है ना। और ऐसा स्टडीज़ कहती है कि मिड नवंबर में जो है मैक्सिमम लेवल पे केसेस जो है देखने को मिलेंगे, बट उसके अलावा ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज भी चल रही है। अभी रिसर्चर्स ने वॉर्न किया है कि वो ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स को अरेंज कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में मैक्सिमम केसेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ एडमिशन, काफ़ी
चर्चा का विषय है, ये काफ़ी हॉट जो है टॉपिक है, जिसके अंदर बताया गया है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से मेडिकल प्रोसीजर्स वर्क कर रहा है, कैसे रेट्स वर्क कर रही है और कैसे जो है कंटिन्यू पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और पेशेंट्स बढ़ने के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मनमानी कीमतें बिल के तौर पर वसूल की जा रही है और इलाज के तौर पर उनसे वसूल की जा रही है अपने आप में, जहाँ पर बेड्स और आइसोलेशन की एक्टिविटीज़ ना प्रोवाइड हो जाने के कारण लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ रहा है। तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल से जब बड़े बड़े हाई लेवल के जो हाई रेट्स के जो बिल उन्हें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो ये उनकी उनके लिए चौंका देने वाली घटना होती है। और इस तरीके से जिस समय लॉकडाउन के दौरान इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी इफेक्ट किए हर इंडिविजुअल को, इस बेसिस पर इस तरह की कंडीशन, इस तरह की सिचुएशंस वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा क्रिएट करना और इस पर सरकार की कोई गतिविधि ना देखना अपने आप में वहाँ के लोगों के लिए पेंडेमिक से भी ज़्यादा बुरी सिचुएशंस को क्रिएट करता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। ये जो टॉपिक है, ये जो देखा अभी हमने, ये सारा बेस्ड है उसी पर। ओके, द नेक्स्ट इज़ रियल अनामिका शुक्ला गेट्स अ जॉब। बेसिकली आपको पता होगा, हमने पिछले 2-3 बार न्यूज़ में पढ़ा है इन दिनों, कि एक टीचर के नाम पे, अनामिका शुक्ला के नाम पे काफ़ी स्कूल्स में एक साथ में जो है काफ़ी आइडेंटिटीज चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो असिस्टेंट टीचर के रूप में अपॉइंट हुई थी और वो अभी तक जिसे ज्वाइनिंग भी नहीं मिली थी, उसके अलावा जितने भी लोग जो है इस स्कैम में शामिल थे, जिन लोगों ने, उन सभी के लिए सज़ा का प्रावधान दिया गया है। उसके अलावा जो पर्सन अनामिका शुक्ला के तौर पर जॉब कर रही थी, इवन शी वॉज़ गेटिंग सैलरीज फ्रॉम सो मैनी स्कूल एंड सो मैनी एरियाज़, फेक टीचर के तौर पर कार्य कर रही थी कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल के अंदर, यूपी का मामला है ये, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, कस्टडी में ले लिया गया है। और इसके अलावा जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है, FIR लॉज कर दी गई है उन लोगों के अगेंस्ट जो कि इस तरह के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे थे या इस तरह की घटना या गतिविधि जो चल रही थी। और जो पर्सन इस अनामिका शुक्ला के तौर पर कार्य कर रही थी उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले लिया गया है। ठीक है, अनीता देवी नाम की पर्सन है जो कि एम्प्लॉयड थी टीचर के तौर पे, और वो अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर रही थी टू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट टू यूज़ सोशल मीडिया टू आइडेंटिफाई ब्लड डोनर। आपको पता होगा जो भी फेसबुक या इंस्टा या व्हाट्सएप, आई डोंट नो, वट एवर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि फेसबुक के ऊपर यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो डेफिनेटली आप जो है, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको अलर्ट किया जाएगा, फेसबुक के थ्रू आपको अलर्ट किया जाएगा कि आपके नियर बाय इस एरिया में ब्लड की ज़रूरत है और आप आइए और ब्लड डोनेट करके जाइए। तो ये जो तरीका है, ये गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, गवर्नमेंट इन दिनों सोशल मीडिया को यूज़ कर रही है ब्लड डोनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड विद दिस, देन यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक एंड यू विल बी यू नो आइडेंटिफाइड एज अ ब्लड डोनर। So government is using this platform and definitely it is working, because I personally get the notification regarding this because I was registered for the blood donor identified site, and there are 71 blood banks on the Facebook that are registered on Facebook, and they are working towards it, and these 71 government blood banks will be registered on Facebook's blood donor donations tool. When needed, a blood bank can get in touch with the tool to identify donors in the vicinity. Okay, so जिस भी एरिया में आप हैं, आपके आसपास के क्षेत्र में यदि ब्लड की रिक्वायरमेंट है, किसी डोनर की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये 71 ग्रुप्स जो है ब्लड डोनर्स के, ब्लड बैंक्स जो हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करेगा और आपको इस मामले में अलर्ट करेगा कि आपके पास ही के क्षेत्र में ब्लड की ज़रूरत है, यू हैव टू गो देयर एंड गिव योर ब्लड। ओके, it is a good way to identify and to be in connect with all those people who wants to or who are willing to do give the blood, but and this will help all those people who are in urgent need of blood. Okay, so let's take the next news. Uddhav to kickstart magnetic Maharashtra 2.0 with 12 packs. Uddhav Thackeray ji jo ki CM hai महाराष्ट्र के, उन्होंने एक नया, हम कह सकते हैं मैग्नेटिक महाराष्ट्र करके लॉन्च किया है, एक इस लॉन्च
का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इकोनॉमी को पर बेस्ड है, इकोनॉमिक बेस्ड है। और इसके तहत उन्होंने ये जो एक अपील की है, उन्होंने अपील तो क्या कह सकते हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि जो भी कंपनीज़ उनके स्टेट के अंदर आकर के इन्वेस्ट करना चाहती है, आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए। अब ये कंपनीज़ चाहे ग्लोबल लेवल पे बेस्ड हैं, आई मीन US, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो कंपनीज़ हैं, वो ऑलरेडी दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन द महाराष्ट्र, बट स्टिल द CM ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर ऑथराइज पर्सनैलिटी सेज दैट हम लोग प्रायोरिटी देंगे इंडिया के बिजनेसमैन्स को, इंडिया की कंपनीज़ को जो इन्वेस्ट करना चाहता है हमारे स्टेट में कंपनीज़ में, तो उन सभी के लिए ओपन जो है कर दिए गए हैं वेज। उसके थ्रू हम लोग जो है जो भी बिज़नेस स्टैब्लिश कर रहा है, जो भी बिज़नेस रनअप कर रहा है, इस मैग्नेटिक महाराष्ट्र के लॉन्च के बेसिस पर, इसके जो समिट है उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम लोग जो है इसके तहत 12 पैक्ट्स जो है उसके साथ में इसे लॉन्च किया गया है। और एक ऐसी पहल शुरू की गई है जिसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट ने ये अपील की है कि जो भी बाहरी कंपनियां हैं, जो भी भारत पर बेस्ड इंडियन बेस्ड इंडिया बेस्ड कंपनीज़ है या इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, वो आए और हमारे देश, हमारे जो राज्य है उसके अंदर हम कह सकते हैं इन्वेस्ट करें। ओके, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, द स्टेट इनवाइट्स बिजनेस लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोबल टू इन्वेस्ट इन द FDI कैपिटल ऑफ द कंट्री। ये देखिए, ये एक इनिशिएटिव है श्री सुभाष देसाई, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है महाराष्ट्र के, और अदिति टक्करे जो है, टक्करे ये भी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट है महाराष्ट्र की, एंड हेयर इट इज़ मिस्टर और आई कैन से श्री उद्धव ठाकरे जो कि ऑनरेबल CM है महाराष्ट्र के, उनका ये स्टेटमेंट है कि आप आइए और हमारे यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में आप जो ग्लोबली हम इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को इन्वाइट करते हैं, बिजनेस लीडर्स को इन्वाइट करते हैं कि वो आइए और ग्लोबली यहाँ पे, ग्लोबल लेवल पे जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है या महाराष्ट्र में जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, ग्लोबल लेवल पे ये स्टेटमेंट जारी किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, द नेक्स्ट इज 4 गर्ल्स ड्रोन इन पॉन्ड। बेसिकली बहुत छोटी न्यूज़ है, बट इट इज़ ऑल अबाउट अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। 4 जो है छोटी सी गर्ल्स जो है 9 to 12 ईयर्स एज की, और वो गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट की हैं, उसके पास में ही करीब गुंगाड़ी विलेज है, वहाँ पर जो है सैटरडे को शाम में करीब जो है ये आइडेंटिफाई किया गया कि 4 लड़कियाँ जो पानी में डूबकर, पॉन्ड में डूबकर और उनकी डेथ हो गई। तो इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, इसलिए मैंने डिस्कस किया है आपसे कि जो लोग हैं, पीपल्स हैं, दे हैव टू, दे शुड बी, दे ऑट टू अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड देयर द लाइफ ऑफ देयर चिल्ड्रंस। द नेक्स्ट इज़ द नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। हमें ज़रूरत है एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की। इंडिया इज़ यूनिक अमंग डेमोक्रेसीज इन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी इज़ नॉट बैक्ड बाई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। ये जो है ये बेसिकली जो न्यूट्रैलिटी के अगेंस्ट जो रेस है, या फिर स्पोर्ट में जो वॉइस इन स्पोर्ट्स हम बात कर सकते हैं, स्टेट एंड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर अगर हम बात करें, या फिर देखिए चेंज के लिए हमें अटेम्प्ट लेना होगा, वी हैव टू गो थ्रू द एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना देखा जाए, ऐसे लॉज की ज़रूरत है। इंडिया में हर एक लॉ कैरी करता है डिस्क्रिमिनेशन, हर एक जगह पे हम राइट टू इक्वालिटी की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन लॉज में खुद में है। तो ये ज़रूरत है कि हम एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज पर कार्य करें, हमें ज़रूरत है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की। सो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है और हमें किन किन चीज़ों में जो है इक्वालिटी की ज़रूरत है। ओके, द नेक्स्ट इज़ नो लॉन्गर स्पेशल। इंडिया और चाइना, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस की बात कही गई है यहाँ पे, रिवर्स रिलेशंस देखने को मिले हैं, और जो है बहुत जल्दी हमें ज़रूरत है इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने की। देखिए LSE से रिलेटेड चाइना और इंडिया के बीच का जो डिस्प्यूट है उसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है और काफ़ी हद तक प्रोग्रेस में भी है, लेकिन इंडिया और नेपाल के बीच में जो इशू चल रहा है उसे अगर जल्दी से नहीं जो है हील अप करने की कोशिश की गई या उसे सॉर्ट आउट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं हमें नेबरहुड के बेसिस पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, है ना। और एक्चुअली दे ऑल्सो आर विलिंग टू डू दिस दीज यू नो चेंजेस, एंड ओली गवर्नमेंट जो है
उनके द्वारा डिसीजन पास किया गया था, और उसके अगेंस्ट जो है वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है सरकार के अगेंस्ट वॉइस रेज कर रही है। इस बीच में इंडिया से जो उनका डिस्प्यूट है वो गहराता चला जा रहा है। तो ये जो है ये अभी रिसेंटली कल नया जो है मैप लॉन्च किया गया, तो ये जो इशू है ये बेस्ड है नेपाल और इंडिया के कालापानी क्षेत्र के, जो हम कहते हैं हमारे क्षेत्र में, और नेपाल का कहना है उनके क्षेत्र में। सुगौली की संधि के मुताबिक ये एक ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया है जो दोनों म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, बट स्टिल वी आर विलिंग टू टेक इट एंड नेपाल इज ऑल्सो विलिंग टू टेक दिस पर्टिकुलर एरिया। अभी रिसेंटली उन्होंने जो है अपने मैप में उसे शो किया था, उसी को लेकर काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले, और ये सारे जो इश्यूज़ है इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, और अगर जल्दी ही नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं रिलेशन जो है गड़बड़ा सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बिहाइंड द कर्व, इट इज़ ऑल अबाउट GST ड्यूज। बेसिकली इसमें बात की गई है कि अगर सरकार जो है चेंजेस लाना चाहती है, सेंटर वांट टू चेंज, दे हैव टू टाई अप और टाइड द पेंडेमिक क्राइसिस ओवर स्टेट्स, दे इट मस्ट हेल्प स्टेट्स टाइड ओवर द पेंडेमिक एंड क्राइसिस बाय गिविंग GST ड्यूज। अभी रिसेंटली इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करते हुए GST काउंसिल ने फ्राइडे को ये डिसाइड किया है कि हम जो लेट फीस के बेसिस पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड इंटरेस्ट जो है उस पर भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एंड टैक्स पेयर जो है वो हैवी इंटरेस्ट जो है नहीं दे पा रहे हैं, या लेट फीसेस जो बहुत भारी मात्रा में वो नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उनको रिलैक्सेशन के लिए ये कदम उठाया गया है। तो और इसी कदम को आगे, इसी तरह के कदम की ज़रूरत है हमें उठाने के, बिकॉज ऑलरेडी पैंडेमिक को लेकर काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है सरकार ही नहीं बल्कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिल रहा है, बट स्टिल उसके बाद भी सरकार और लोगों द्वारा इस तरीके से शांति से इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए बहुत प्रॉपर मैनर में जो है पेशेंसफुली हैंडल करने के लिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रेट स्पेशलिटी ऑफ इंडिया टू हैंडल ऑल दीज कंडीशंस, एंड इट इज़ ऑल अबाउट बिहाइंड द कर्व। बेसिकली कर्व जो है अभी जो शो हो रहा है उसके पीछे भी जो है सारी कंडीशंस को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वी हैव टू और सेंटर शुड मस्ट हैव टू यू नो मस्ट हेल्प दी स्टेट्स ओवर टू गेट ओवर ऑल दीज थिंग्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट GST ड्यूज, एंड अभी जो डिसीज़न आया है उस पर बेस्ड है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, थर्सडे को ये डिसीज़न पास किया था सरकार द्वारा, फ्राइडे को ये डिसीज़न पास किया गया GST काउंसिल द्वारा कि वो GST ड्यूज जो है जितने भी उसके अंदर लेट फीस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाएंगे, और उसके साथ ही जो है रिटर्न फाइल्स, जो फाइल रिटर्न है वो टाइम पे होने के लिए टैक्स पेयर्स को जो जितना भी हो सकता है रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाएंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द एमरजेंस ऑफ द रियल केजरीवाल। अब ज़रूरत है केजरीवाल जी के, नए दिल्ली के CM है वो, नो लॉन्गर नीड दोज हु हेल्ड हिम एज द बीकन ऑफ न्यू पॉलिटिक्स। बेसिकली देखिए जो कंडीशंस चल रही है, जो सारा हम कह सकते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट की जा रही है या चल रही है, उन सब के चलते, या जो अपोजिशन वहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा है, माइग्रेंट्स में देखने को, उसके चलते केजरीवाल जी की जो छवि है वो अपने आप में काफ़ी इफ़ेक्ट कर गई है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर उन्हीं को टारगेट करते हुए उन्हीं के बारे में सब कुछ डिस्कस किया गया है। सो यू शुड गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज मैं पॉलिटिकल मैटर्स यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ किसी भी तरह का, बट स्टिल एवरी इंडिविजुअल गवर्नमेंट इज़ गिविंग इट्स बेस्ट। हर इंडिविजुअल गवर्नमेंट अपना 100% दे रही है, और अगर कोई कमी रह रही है तो सरकार सेंट्रल की ज़रूरत है, सेंटर की ज़रूरत है कि वो स्टेट्स को कोऑपरेट करे, और स्टेट्स की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बेसिस पर नहीं बल्कि एक डेमोक्रेसी के बेसिस पर, या हम कह सकते हैं लोगों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़रूरत के बेसिस पर हेल्प ले, और उसी के बेसिस पर लोगों का, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट लोगों को टारगेट करना ज़रूरी है। पैंडेमिक के कारण वो लोग सफ़र कर रहे हैं जो ऑलरेडी और पैंडेमिक से पहले भी परेशानियों से जूझ रहे थे। सो गवर्नमेंट्स नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, सो प्रोबेबली मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं, इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप उसे कैरी अप कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल बी हेयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू टुमारो सून।